नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल एंड टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं। और आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लेकर आए हैं और इसको पूरा डिटेल हम पीडीएफ फाइल दिखाएंगे आपको। और इनके पूरे कृतियाँ, इनकी रचनाएं और इनका साहित्यिक योगदान, साहित्यिक जीवन परिचय टोटली हम देंगे और बहुत शॉर्ट में पीडीएफ है, आप इसको देखिएगा। तब तक जो भी चैनल पर नए हैं हमारे व्यूअर्स या हमारे फ्रेंड्स, वो इस लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें कुछ भी लगने वाला नहीं है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसलिए इस लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और उसके बाद अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो यहाँ वीडियो पर और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो कि हाई स्कूल और इंटर संबंधी वीडियोज होगी और आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप मोबाइल और कंप्यूटर से भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि खास करके जो एक स्टूडेंट के लिए मोबाइल कंप्यूटर जरूरी होता है उसी तरह की जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी नहीं दी जाएगी, ये एक नॉर्मल जानकारी जिससे कि एक स्टूडेंट अपने करियर को बना सकता है। तो इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे वीडियो में ये है पीडीएफ जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का, तो जीवन परिचय में आपको दिखाई देगा जो चीज़ हाईलाइट की गई है पीले रंग का, उसे आप जरूर याद करिएगा। जैसा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश होती, जो हाईलाइट है ना इसे याद करना है आपको। और इनका जन्म काशी में और सुंदरी साहू नाम के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिव रतन साहू और पिताजी का नाम देव प्रसाद था, और इनके भाई का नाम जो था वो शंभू रतन था। सभी को हाईलाइट कर दिए हैं, खुद हमने पीडीएफ तैयार किया है, अगर आप इसको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। सभी के जीवन, मैंने गद्य और पद्य सभी के जीवन परिचय को वीडियो की प्रोवाइड कर दिया है, जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी की गद्य के 3-4 इम्पॉर्टेंट्स जो भी जीवन परिचय लेखक परिचय हैं और पद्य के जो भी कवि परिचय हैं उनको भी सारे हम जीवन परिचय कवि परिचय को हम दे रहे हैं। जो कुछ भी आपको अगर कमी लगे कमेंट कर दीजिएगा। इनका देहांत जो हुआ था 15 नवंबर 1937 अगर आप टोटली यहाँ से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ आपका लिखा गया है, आप इसको भी दे सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से पढ़ सकते हैं 1889 और 1937 इतना इनका जीवन काल था, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और चलिए आगे दिखाते हैं, इनकी शिक्षा प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया था। और सर्वप्रथम प्रसाद जी का जन्म जो है क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था, क्वींस कॉलेज ध्यान रखिएगा, लेकिन स्कूल की पढ़ाई के इनका मन नहीं लगता था, इसलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया और घर पर ही वही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। और प्रसाद जी ने प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था, यानी साहित्य में बहुत ही वो रुचि थे और साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे, अवसर मिलने पर कविता भी करते थे, तो इस तरह से इनका शिक्षा था। और इनकी कृतियाँ देखते हैं, प्रसाद जी की कृतियाँ प्रमुख है जिसमें काव्य में आपका आंसू का मायने, चित्राधार, लहर झरना, और कहानी में आपका आंधी इंतजार, छाया, प्रतिध्वनि जो है इनकी लास्ट कहानी सलाव साल होती है, उपन्यास में तितली कंकाली डालती है, निबंध संग्रह काव्य कला एवं अन्य निबंध, नाटक जो है इनका सज्जन, कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु, व्यश्चित जय का नाग यज्ञ, विशाख, ध्रुपसावनी, ये ध्रुपसावनी जो भी हाईलाइट किए इम्पॉर्टेंट इनके कृतियाँ हैं। भाषा शैली इनकी भाषा शैली जो है बहुत ही अच्छी थी, जिसे साहित्य में इनकी भाषा शैली सभी शैलियों का यूज करते थे, जिससे आपका भाषा का स्वरूप विषयों के आधार पर इनका गठन करते थे, सभी अपने कविता अपने काव्य का कहानी का सारी चीज़ों का, और इनकी भाषा का श्रृंगार संस्कृत में तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे और शैली की प्रधान विशेषता बताती थी, भाव विचारों के अनुकूल इनकी भाषा में सहज रूप से प्रयोग करते थे और मुहावरों लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते थे, बीच बीच में विदेशी शब्दों का भी प्रयोग करते थे, इस तरह से सारी चीज़ों का योग
सभी गुणों को ये समाहित किए हैं अच्छी तरह से। शैली जी जो है शैली की इनकी जो शैलियाँ हैं उनको हम पाँच भागों में यहाँ पर विभाजित किए हैं, जैसे विचारात्मक शैली, अनुसंधानात्मक शैली और इतिवृत्तात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली। इन शैलियों द्वारा ये अपनी काव्य को, कहानी संग्रह को, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा बढ़ाया और बहुत अच्छी तरह से सजाया। तो इनका साहित्य में स्थान देखते हैं, पहले इनका हम देख लेते हैं साहित्य योगदान। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में जयशंकर प्रसाद ने कालाधर नाम उपनाम से ब्रजभाषा में सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था और उनकी आरंभिक रचनाएं जो थी ब्रजभाषा में होती थी पर क्रमशः खड़ी बोली अपनाते थे। उन्होंने बताया खड़ी बोली का भी ब्रजभाषा का उपयोग करते थे तो अपनाते थे। इस समय ब्रजभाषा की जो रचनाएं उपलब्ध है उनका महत्व केवल ऐतिहासिक है, वेद इतिहास पुराण साहित्य शास्त्र सभी गंभीर का अध्ययन उन्होंने किया था। प्रसाद जी प्रेरणा से 1909 ईस्वी में भांजे के प्रसाद गुप्त के संपादक में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो इस तरह से इनकी रचनाएं थी जो योगदान दिए थे साहित्य में। और इनका साहित्य में स्थान क्या बना था, बांग्ला साहित्य में जो स्थान रविन्द्रनाथ ठाकुर का और रूसी साहित्य में जो स्थान तुर्कनेव का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान प्रसाद जी का है, हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। अतुलनीय ने महा प्रसाद जी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रसाद जी कवि भी थे और नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी थे। इसमें संदेह नहीं है कि हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा जब तक तब तक प्रसाद जी के नाम को बराबर जानते रहेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर नीचे कुछ हाईलाइट करके हमने लिखा है। अगर आप वीडियो के जरिए जो ऑडियो फाइल में डाउनलोड करना या सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और इम्पॉर्टेंट जीवन बच्चे का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सभी इम्पॉर्टेंट जीवन बच्चे हमने डाल दिए हैं जाके प्ले लिस्ट में, सभी का इसी तरह हमने पीडीएफ या पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ऑडियो फाइल जिस तरह हम बोल रहे हैं ऑडियो फाइल में सुधार रहेगा, दूसरी तरह रहेगा। वो ऑडियो फाइल जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अपनी ईयरफोन लगा के हमेशा सुन सकते हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय, जाके सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। और अगला हिंदी का जो कैसे 90% मार लाना है, कैसे कौन कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, उसका वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। अगर नहीं आया है तो मिल जाएगा, लेकिन आप चेक करते रहिए, वो आपको मिल जाएगा, उसमें आप पा सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं डिसलाइक। तो फिर अपने दोस्तों को जोड़िए, हाई स्कूल जो भी पढ़ते हैं सभी को जोड़ दीजिए, सभी को अच्छा सा लाभ होगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम। संतोष कुमार को दीजिए जय।